हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय श्याम है। आज मैं आपको मीडिया में और समाचार पत्रों में चल रही एक खबर की तरफ लाना चाहता हूँ, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वर्ष 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता बनाने की पेशकश की थी, परंतु भारत ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि मैं चीन के स्थान पर अस्थायी सदस्यता नहीं लूंगा। तो यह आज एक विवाद का विषय बनता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस पर विभिन्न बातें कर रहे हैं, तो इसको जानना जरूरी है कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या भारत के पास ऐसा कोई प्रस्ताव था 1950 55 51 1950 51 52 में? क्या भारत के पास कोई ऐसा प्रस्ताव था? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्ष 1955 में एक संसदीय प्रश्न के जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे पास अस्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के पास ऐसा कोई प्रस्ताव था ही नहीं। तो फिर चर्चा किस बात की, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। परंतु दोस्तों, उस समय भारत के समाचार पत्रों में और पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों में यह मुद्दा था कि पश्चिमी देश कह रहे थे कि भारत को चीन के स्थान पर सुरक्षा परिषद में लाया जाना चाहिए, यह मुद्दा था। तो अब हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या घटनाएं ऐसी हुई जिसमें चीन के स्थान पर भारत को सुरक्षा परिषद में लाए जाने की बात कही जा रही थी। यह महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं आपको बताते चलूं कि वर्ष 1949 में चीन में एक साम्यवादी क्रांति होती है। उस साम्यवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां पर जो है पहले से चली आ रही पश्चिम समर्थित सरकार को हटा दिया गया और उसकी जगह एक नई साम्यवादी सरकार आई। उस नई साम्यवादी सरकार को पश्चिम देश किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि ये साम्यवादी सरकार साम्यवादी गुट से समर्थित है। जैसे कि आप जानते हैं कि उस समय दुनिया दो भागों में विभाजित थी, एक समाजवाद, दूसरा साम्यवाद। तो चीन में जो क्रांति हुई थी वो साम्यवाद के पक्ष में क्रांति थी और चीन साम्यवादी गुट की तरफ चला गया था। तो पश्चिमी देश चाहते थे कि चीन को सुरक्षा परिषद में सदस्यता न दी जाए, उसको हटाकर भारत को सदस्य बनाया जाए। यह उस समय महत्वपूर्ण प्रश्न था। अर्थात चीन में जो क्रांति हुई थी, जो नया सत्ता परिवर्तन हुआ था, उस सत्ता परिवर्तन के बाद पश्चिमी देश चाहते थे कि चीन की नई सरकार को सुरक्षा परिषद में न लाया जाए। तो ये उस समय का घटनाक्रम है। अब हम यह जानेंगे कि क्या यह संभव था कि चीन के स्थान पर भारत को सुरक्षा परिषद का की अस्थायी सदस्यता दी जा सकती थी कि नहीं उस समय। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो हम अब इस प्रश्न पर विचार करते हैं उस समय के सिचुएशन को देखते हुए कि क्या उस समय जो सिचुएशन था उसमें भारत को अस्थायी सदस्यता मिल सकती थी कि नहीं। तो यह महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा कि 1950 की दुनिया कैसी थी और चीन कैसा था, भारत चीन संबंध कैसा था। वर्ष 1950 में पूरी दुनिया दो ध्रुवों में विभाजित था। एक का नेता था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे पूंजीवादी गुट कहते थे। दूसरे का नेता था सोवियत संघ, जिसे समाजवादी या साम्यवादी गुट कहते थे। तो दोनों गुट बटे हुए थे और दोनों गुट में संघर्ष चल रहा था। चीन जो है पश्चिमी गुट से निकलकर साम्यवादी गुट में चला गया था। तो उस समय की सिचुएशन थी। और इसमें जो है अब जो है भारत की भूमिका क्या? भारत उस समय किसी किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं था और एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र था। तो उस समय जो है उस समय की शक्ति संघर्षों में भारत का योगदान नहीं था। भारत चाहता था कि विश्व शांतिपूर्ण ढंग से रहे, सभी मिलजुल कर रहे, सभी शांति से रहे और झगड़े कम से कम हों। तो ऐसे समय में चीन ने एक नई समस्या पैदा कर दी थी। चीन में साम्यवादी क्रांति आ गई थी। चीन भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र था उस समय। चीन भारत का सबसे घनिष्ठ मित्रों में था उस समय। तो अब जो है भारत का रिएक्शन इसके प्रति क्या होना चाहिए था? क्या भारत को सदस्यता के लिए ललक दिखानी चाहिए थी या नहीं? तो हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र था, भारत एफ्रो एशियाई देशों का नेता था, भारत की शक्ति का आधार सॉफ्ट पावर था। सॉफ्ट पावर का मतलब वैचारिक और सांस्कृतिक शक्ति। तो भारत सॉफ्ट पावर था। और अगर भारत जो है, अगर भारत पश्चिमी गुट में सम्मिलित हो जाता, अस्थाई सदस्यता के लिए पश्चिमी गुट में सम्मिलित हो जाता तो क्या होता? तो इसका मतलब था कि भारत जो है एफ्रो एशियाई देशों से अलग हो जाता, भारत जो है सख्त संघर्षों में फंस जाता, भारत गुटी राजनीति में फंस जाता, सीधा सीधा शीत युद्ध जो है भारत के द्वार पर आ जाता, चीन जो साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो चुका था वो भारत को प्रत्यक्षतः अपने दुश्मन के तौर पर देखता, पूरी जो साम्यवादी दुनिया है वो भारत की दुश्मन हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भारत ऐसी लालच दिखाता तो स्वयं को जो है एक गुट में रखता, अपने आदर्शों को, अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने स्वतंत्र विदेश नीति की कामना को त्याग देता। तो आप समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब यह है कि भारत के लिए यह व्यवहारिक नहीं था कि वह जो है ऐसी कोई ललक दिखाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में कहा था कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का असली दावेदार है और चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसका हक मिलना चाहिए। ये पंडित नेहरू का जो है कथन था। पंडित नेहरू चाहते थे कि चीन से हमारे रिश्ते अच्छे रहें, चीन से हमारे रिश्ते खराब न हों। एशिया का जो शक्ति संतुलन है, एशिया का जो रंगमंच है वो किसी तरह से दूषित न हो, यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना बनी रहे। तो इसलिए जो है भारत ने ऐसी कोई ललक नहीं दिखाई। पहली बात तो यह कि ऐसा कोई प्रस्ताव था ही नहीं कि भारत को जो है पश्चिमी देश सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए बुला रहे थे। दूसरी बात, तत्कालिक विश्व की स्थितियां एक कहीं से भी नहीं कह रही थी कि भारत को, तत्कालिक विश्व की परिस्थितियां ऐसे कहीं से भी नहीं कह रही थी कि भारत को ऐसा दावा करना चाहिए। भारत के आदर्श, भारत की नीतियां, भारत की आकांक्षाएं कहीं से भी जो है ऐसी मांग नहीं कर रही थी। पंडित नेहरू और प्रधानमंत्री मोदी भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में दो सबसे प्रमुख शख्सियतों में गिने जा रहे हैं। तो आज यहाँ पे एक स्वाभाविक प्रश्न बन रहा है कि दोनों की विदेश नीतियाँ कैसी थीं, दोनों की विदेश नीतियों में क्या समानता थी, क्या असमानता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1950 का भारत, 1955 का भारत और 2015 का भारत, 2020 का के भारत में जमीन और आसमान का अंतर है। फिर भी एक तुलना बनती है कि पंडित नेहरू की विदेश नीति या प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या असमानता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि दोनों शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में अत्यधिक, उनके विदेश नीति में अत्यधिक समानता रही है। सबसे पहली बात तो दोनों प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, दोनों लोग चाहते थे कि भारत विश्व की महाशक्ति बने, भारत विश्व की महाशक्ति बने। पंडित नेहरू कहते थे कि भारत का आकार, भारत की अवस्थिति, भारत का क्षेत्रफल, भारत की जनसंख्या ऐसी है कि आज नहीं तो कल भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। ऐसी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे और यही बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि भारत जो है विश्व की महाशक्ति बनने के कगार पर है, महाशक्ति बनने के कगार पर है। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहते थे कि पड़ोसी हमारे हृदय में प्रथम स्थान रखते हैं, पड़ोसी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि पड़ोसी हमारे लिए प्रथम स्थान रखते हैं। मोदी ने पड़ोसी प्रथम की नीति चलाई, अपनी पहली यात्राओं के लिए पड़ोसी देशों को चुना। तो दूसरी समानता दोनों में बनती है कि
कि प्रधानमंत्री मोदी भी और पंडित नेहरू भी पड़ोसियों को वरीयता देते थे। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों नेता वैश्विक आदर्शों में विश्वास करते थे, शांति, सहयोग, निशस्त्रीकरण, यूएनओ में विश्वास, इन सब बातों में दोनों प्रधानमंत्री एकमत थे। तो कहने का मतलब है कि कई मुद्दों पर दोनों प्रधानमंत्री एकमत थे, लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है, इतनी तुलना आजकल क्यों की जा रही है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने ये गलतियां की, मोदी ने ऐसा कर रहे हैं, तो तुलना क्यों की जा रही है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों के विचारों में हम अंतर देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के विचार में क्या, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति तो पंडित नेहरू की विदेश नीति में अंतर क्या है, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 1950 का भारत एक गरीब भारत था, कृषि अर्थव्यवस्था थी, उस समय हमारे यहाँ खाद्यान्न नहीं थे, भुखमरी की समस्या थी, बेरोजगारी थी, अनपढ़ लोग थे, जबकि 2019 का भारत एकदम से परिवर्तित हो चुका है। हम दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था हैं, हम दुनिया की एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति हैं, हम एक राजनीतिक शक्ति हैं, एक बड़े बाजार हैं, हमारे यहाँ अब हम किसी से कर्जे नहीं लेते हैं। तो 1950-55-60 पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत और मोदी के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। यह अंतर दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यों में भी स्पष्ट होता है। तो ये भी चीजें हैं। तो अगली बात हम बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आदर्शवादी विदेश नीति को महत्व देते थे, लेकिन उनका कहना था कि ये हमारी आदर्शवादी नीति हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमारे आदर्शवादी सिद्धांत हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुपूरक हैं, हम अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति इन्हीं नीतियों से कर सकते थे। तो परंतु जो है प्रधानमंत्री मोदी आदर्शवादी नीतियों के लिए दूर दृष्टि रखते हैं, कहते हैं कि आदर्शवादी नीतियां दूर के भविष्य के लिए हैं, लेकिन वर्तमान में हमें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सख्त जैसे साधनों पर विश्वास करना होगा। ओ देश को प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां यथार्थवादी हैं और अवसर के अनुकूल है। अब भारत की विदेश नीति में आदर्शवाद एक अवसर के रूप में है। कहने का मतलब है कि वर्तमान की भारतीय विदेश नीति अपने आर्थिक हितों, अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर काम कर रही है, न कि किसी वैश्विक आदर्श के लिए। हम जितने भी नीतियां बना रहे हैं उसमें हमारा आर्थिक हित और राष्ट्रीय हित केंद्र में है। तो दोनों की विदेश नीतियों में एक अंतर आ गया है कि प्रधानमंत्री नेहरू आदर्शवाद में अपने हित देखते थे, आज प्रधानमंत्री मोदी यथार्थवाद में अपने हित देखते हैं। तो एक अंतर ही आ गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर दोनों देशों की विदेश नीतियों में आया कि पंडित नेहरू निशस्त्रीकरण में विश्वास रखते थे, लेकिन वर्तमान भारत की नीति शस्त्रीकरण में है, क्योंकि जो है सुरक्षा और संघर्ष आज भारत के द्वार पर आ चुका है। चीन का उदय पूरे भू राजनीति को परिवर्तित कर दिया है। चीन के उदय से अब भारत को कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी संघर्ष आने वाले समय में होंगे वो या तो हिंद महासागर में होंगे या प्रशांत महासागर में होंगे, जो भारत से लगा हुआ है। तो वर्तमान जो वैश्विक समीकरण है, भू राजनीति है, उसमें भारत को अब एक भूमिका अदा करनी पड़ेगी। 1950 का भारत आसानी से सख्त संघर्षों से अलग रह सकता था, लेकिन वर्तमान का भारत अब सख्त संघर्षों से अलग नहीं रह सकता, इसलिए दोनों की विदेश नीतियों में अंतर आ गया है। नेक्स्ट अंतर दोनों प्रधानमंत्रियों में क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में एक अलगाव की दृष्टि रखते थे। उनका कहना था कि प्रवासी भारतीय और वहां की सरकार में विवाद है, और भारत का हित इन विवादों में पड़ना नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नेहरू प्रवासियों से एक समान दूरी बनाकर चलते थे, क्योंकि प्रवासी और वहां की सरकारों में विवाद था। अगर भारत प्रवासियों का साथ देता या वहां की सरकार का साथ देता तो फिर एक कंफ्लिक्ट हो सकता था, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी की नीति अलग है। प्रधानमंत्री मोदी प्रवासियों को भारत के राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति के केंद्र में रखते हैं। तो दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पे आ जा रहा है। प्रधानमंत्री नेहरू हमेशा सॉफ्ट पावर में विश्वास रखते थे। संस्कृति और विचारधारा उनके विदेश संबंधों का आधार था। एफ्रो एशियाई देशों से संबंधों का आधार संस्कृति और विचारधारा था। लेकिन वर्तमान भारत, प्रधानमंत्री मोदी का भारत, सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर को भी केंद्र में रखता है। अर्थात सांस्कृतिक और वैचारिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक और सैनिक शक्ति का भी प्रयोग कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर दोनों देशों में होता जा रहा है। तो इस तरह से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों में कुछ समानताएं हैं, दोनों प्रधानमंत्रियों में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं।